ये लुक मैंने आई स्टेंसिल से क्रिएट किया है। अगर आप भी मेरी तरह ये लुक क्रिएट करना चाहते हैं आई स्टेंसिल से, तो वेलकम बैक टू माय एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो ये है, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे ये आई स्टेंसिल्स, जो मैं हर वक्त देखती थी और हर वक्त ही मैं कहती रहती थी कि अच्छा मैं ये एक दिन मंगवाऊँगी, बट अब मैंने ये जाके मंगवाए हैं। और मैंने कहा चलो इससे ना हम कट क्रीज आईज़ या जो भी सिंपल आईज़ मेकअप ना, हम इसे करके देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अक्सर मैं नेट पे देखती रहती थी कि इसी से ना अच्छा अच्छा मेकअप हो रहा होता था, अच्छी अच्छी आईज़ बना रहे होते हैं, मतलब जस्ट लाइक हैक्स जैसे हम देखते हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देख लूँ कि इसे कैसा लुक आता है। तो सबसे पहले मैंने आईज़ को कंसील कर लिया, कंसीलर लगा के उसे मैंने अच्छी तरह डैप करके ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने लगाया है ब्राउन शेड। ब्राउन शेड लगाने के बाद इसे मैंने करना है ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड, ताकि कोई गंदा सा लुक ना लगे। ब्लेंडिंग करने से यू नो, मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ बार बार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ब्लेंडिंग। अगर हमारे मेकअप में ब्लेंडिंग नहीं होगी तो हमारा मेकअप कुछ ख़ास लुक नहीं देगा अच्छी। तो बहरहाल ये मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं ये रख के देख रही हूँ कि मैं कट क्रीज वाला शेप कैसे बनाऊँ। लेकिन एक हाथ में मैंने मिरर लिया हुआ है और एक हाथ से ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इसको अप्लाई करूँ। बहरहाल फिर मैंने मिरर को नीचे रखा और कैम में देख के, मोबाइल के कैम में देखते हुए मैंने इसको अप्लाई किया। ब्राउन शेड मैंने पहले सारा अप्लाई कर लिया था आउटर कॉर्नर पर और अब ये मैं कट क्रीज के तौर पर ये पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पे लगा ली और ये हटाने के बाद इतनी अमेजिंग इसकी लाइन क्रिएट हो चुकी है और अब इस लाइन को मैं प्रोमिनेंट करूँगी। सो विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल्स ये लाइन तो क्रिएट हो चुकी है, हमारा जो कट क्रीज एरिया था वो बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नीटनेस की कमी है। तो आई शेडो ब्रश लेके उस पर पिंक शेडो लगाया और उसे इस तरह नीट कर दिया। अब हमारी मर्ज़ी है कि इस पर हम ग्लिटर लगा के इसे यहीं पे वाइंड अप कर लें, या सॉफ्ट शिमर लगा लें, या इसका कॉर्नर दे दें। बट मैंने इसको यहाँ पे कॉर्नर दिया है। कॉर्नर देने के बाद कट क्रीज एरिया पे मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा शिमर भी अप्लाई करूँगी। ये कॉर्नर मैंने ब्लैक दिया है, ब्लैक जेल आईलाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है थोड़ा सा, और अब उसे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा डार्क मेहरून टाइप मैंने यहाँ पे शिमर लिया है, सॉफ्ट शिमर, वो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इस आई शेडो लुक में एक चीज़ की कमी है, वो आप मुझे देख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे यहाँ मैंने क्या नहीं किया। तो पारी है अंडर आई की। जो पिंक शेड मैंने आईज़ के ऊपर अप्लाई किया है वही मैं अंडर आई पे भी पिंक शेड अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आई की डेप्थ देने के लिए मैं बिल्कुल बारीक सी एक ब्लैक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, और वो करने के बाद अब मैं यहाँ ब्रो बोन पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर लगा के उसे भी हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। आफ्टर हाइलाइटर अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करूँगी, मस्कारा अप्लाई करूँगी, और देन हमारा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। और हाँ, इनर आईज़ पे भी हाइलाइटर यूज़ करना है, ये तो मैं भूल गई थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी है, वो आप एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो मैंने क्या चीज़ स्किप की है। आईज़ मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ स्किप हो गई है, ये अब आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि मैंने क्या चीज़ स्किप किया। तो ये फाइनल लुक देख के बताइए कि आई स्टेंसिल से किस तरह का मेकअप हुआ, आप लोगों को पसंद आया है या नहीं, और जो चीज़ मैंने स्किप की है आप लोगों ने वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देनी है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।